हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम सन एंड विंड यानी सूरज और हवा की इस कहानी को समझते हैं। द सन एंड द विंड जो है ये दोनों दोस्त थे। जो हवा थी बहुत बदमाश थी, तो वो जोर से चलती गई, उसने चीज़ों को उठाया और चीज़ों को उथर पुथर कर दिया। और फिर कहाँ से जाने लगी वो? घरों के बाजू से, दरख्तों के बाजू से, और इसके बाद में गार्डन से वो गुजरने लगी, जिसकी वजह से उसे सारी चीज़ों को जो है यहाँ से वहाँ तक फैला देता। जैसे कि हमारे पे कोई तूफान आता है, बहुत तेज हवा आती है तो कैसे सब चीज़ें इधर उधर गिर जाती है, तो वैसे हवा ने सारी चीज़ों को उथर पुथर करके रख दिया। हवा ने सूरज को चिढ़ाते हुए कहा कि देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। सूरज कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ताकतवर हो। हवा कहती है हाँ मैं हूँ। फिर से सूरज बोलता है नहीं तुम नहीं हो ताकतवर। इस पर जो हवा है वो चिढ़कर कहती है हाँ मैंने कहा, हाँ मैं हूँ। हवा ने कहा देखो उस खेत में एक आदमी बैठा है और उसके जो कंधे हैं उस पर जो है एक चादर रखी हुई है, मैं उससे उस चादर को फेंकने लगवाऊंगी। सूरज ने कहा चलो देखते हैं। इस पर हवा ने जो है फूकना शुरू किया और उसने और जोर से फूका और जोर से फूका। हवा ने बहुत ताकत लगाई मगर उस आदमी ने जो है ब्लैंकेट को नहीं फेंका। आदमी कहता है इट इज सो विंडी, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, और वो ब्लैंकेट को ताकत से पकड़ लेता है। सूरज ने हवा से कहा अब तुम ये देखो। इस पर सूरज ने क्या किया, वो जो है गर्म, उसने अपनी तपिश जो है बढ़ानी शुरू कर दी और उसने अपनी तपिश को बहुत ज्यादा बढ़ा। आदमी ने कहा अरे अब तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उस आदमी ने क्या किया, उस ब्लैंकेट को निकाला और जो है कॉर्नर में फेंक दिया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। बताइए कौन ज्यादा ताकतवर है, सूरज या हवा? दोनों जो है लड़ रहे थे, दोनों मस्ती कर रहे थे, मगर तकलीफ किसको पहुंचाई, तो उस किसान को पहुंचाई, उन दरख्तों को पहुंचाई, उन घरों को और उस गार्डन को पहुंचाई। तो हमने हमारी मस्ती के लिए, हमने हमारे टाइम पास के लिए किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम किसी गली मोहल्ले में खेल रहे हैं कोई भी गेम हो, तो हमने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आवाज कम से कम हो, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें तकलीफ ना पहुंचे, किसी के घर का नुकसान ना हो, किसी की चीज को हम नुकसान ना पहुंचाए।